नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका माइथोलॉजी टेल्स पर। और आज हम आपको बताएंगे नरक में मिलने वाली पांच भयानक सजाओं के बारे में। दोस्तों, जीवन का सबसे बड़ा सत्य मृत्यु है। मृत्यु के पश्चात गरुड़ पुराण पढ़ा जाता है ताकि मृतक की आत्मा को शांति प्रदान की जा सके। गरुड़ पुराण में लिखा गया है कि मरने के बाद नरक लोक में असुरों द्वारा मनुष्य के जीवित रहने के उपरांत किए जाने वाले पाप कर्मों की कठोर सजा दी जाती है। लेकिन धरती पर किए जाने वाले कौन कौन से पाप के बदले किस यातना का उल्लेख गरुड़ पुराण में किया गया है, आइए वो आज हम आपको बताते हैं। नंबर एक, तमिसों में मिलने वाली सजा, जिसके तहत मृतक को उल्टा लटका दिया जाता है और धीरे धीरे करके उसके शरीर को बीचों बीच से रेता जाता है। और इस सजा का हकदार वो मनुष्य होता है जो दूसरों की संपत्ति पर कब्जा करके उसे हथिया लेता है। नंबर दो, महारुराव में जीव को जहरीले सांपों से तब तक कटवाया जाता है जब तक वो प्राण ही नष्ट ना हो जाए। और ऐसी सजा तब मिलती है जब कोई किसी दूसरे की संपत्ति का भोग स्वयं करता है या किसी का अधिकार छीनता है। नंबर तीन, कुंभी पाक के तहत जो जीव किसी निराह या असह प्राणी का शिकार करता है या निर्दोषों को मारता है, उसे उबलते हुए खौलते तेल में डुबा डुबा कर यातना दी जाती है। नंबर चार, माता पिता या अपने बुजुर्गों का अनादर करने पर, उन्हें कष्ट पहुंचाने पर जीव को इस पाप कर्म के तहत काल सूत्रम के तौर पर सजा दी जाती है। पापी को तपते हुए गर्म लावा पर घसीटते हुए खींचकर ले जाया जाता है और ऐसा उसके साथ तब तक किया जाता है जब तक वो बेहोश ना हो जाए। नंबर पांच, सलमाली में मिलने वाली सजा के नियम अनुसार जो जीव किसी से अवैध संबंध रखता हो, व्यभिचार का व्यवहार करता हो या प्राकृतिक व्यवहार करने का भुक्तभोगी हो, ऐसे जीव को जननांगों पर लोहे से बने गर्म चाबुक से बार बार वार किया जाता है तथा इनके जननांगों को कुतरने और खाने के लिए जंगली कीड़े मकोड़े छोड़ दिए जाते हैं ताकि उन्हें जिसका घमंड है वो ही ना रहे। दोस्तों, हमारे शास्त्रों में ऐसी बातें तो कही जाती हैं, लेकिन इसमें सत्यता कितनी है, इस सवाल का जवाब तो कोई भी नहीं दे सकता। लेकिन यदि ये सच है तो इससे भयानक और मौत क्या ही मिलेगी किसी को। इसलिए कहा जाता है कि धरती पर जब तक हो अच्छे कर्म करते रहो, क्योंकि क्या पता मौत के बाद ईश्वर को हिसाब देते ना बने। दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। और अगर आपने हमारे चैनल माइथोलॉजी टेल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको अगली वीडियो में ज़रूर मिलेगी। और इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।